मुझे अभी ये स्टूडेंट्स मिले यहाँ पर जो बर्कले में पढ़ रहे हैं, पहले तो मुझे अपना नाम बताएं। आप शर्जील? अच्छा शर्जील, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी? यूसी बर्कले। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सभी? ओह, स्कूल सेंट पीटर्स हाई स्कूल, हैदरी पब्लिक स्कूल, एसएम साइंस कॉलेज एंड देन यूसी बर्कले। अच्छा, कराची से ना? जी जी। कराची में आपने क्या ग्रेजुएशन किस में थी? हाई स्कूल इंटर करके आया था। अच्छा ठीक। आपका? मैं सुरैया हूँ एंड मैं पिंडी इस्लामाबाद से हूँ, मगर मैं अभी लंदन में रहती हूँ एंड आई वेंट टू UCL और अब मैं बर्कले में पढ़ रही हूँ। पहले स्कूल कॉलेज कौन सा था आपका? पाकिस्तान में? जी। मैं पाकिस्तान में सिर्फ 2 साल के लिए स्कूल गई थी, मगर अभी मैं लंदन में स्कूल गई हूँ। अच्छा, उसके बाद आप अमीर हो गई फैमिली तो आप? बिल्कुल। बताएं आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजीहा है, मैं ऑबनी से हूँ और अभी बर्कले में पढ़ती हूँ। ठीक हो गया। मेरा नाम हामस है, मैं भी कराची से ताल्लुक रखता हूँ। सेंट पीटर्स गया था, फिर AS से गया था, आर्ट्स एंड साइंस अकेडमी, फिर हैदरी पब्लिक गया, फिर SN साइंस कॉलेज से फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर ख़त्म नहीं हुआ, फिर मैं यहाँ आ गया, यहाँ के हाई स्कूल किया, फिर उसके बाद 2 साल कम्युनिटी कॉलेज किया, फिर कम्युनिटी कॉलेज से मैंने UC बर्कले ट्रांसफ़र किया। अच्छा, मुझे सबसे पहले आप बताएं कि जो कराची से अगर कोई आ रहा होगा तो डू एंड डोंट्स क्या है, और वहाँ से आते हुए यहाँ टेस्ट कौन से देने होते हैं, या क्या चक्कर होता है बर्कले का? आई मीन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आते हैं, सबसे पहले उनको SATs देना होता है, जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है जो उनको हेल्प करता है डिसाइड करने में कि एडमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इतनी सर्दी नहीं है, मेरी आवाज़ निकल रही, लाउड बोलो। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा था कि SATs तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है। क्या होता है वो, एक आम बच्चे को नहीं पता अगर पाकिस्तान में? मतलब MCQs टाइप के होते हैं, जैसे आप NED में अगर जाना चाहो जो प्लेसमेंट टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, उसी तरह का स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है यहाँ पे, तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देना पड़ता है। ठीक है। और ये डूज एंड डोंट्स तो ये है कि अगर आप बर्कले में आ रहे हो स्पेसिफिकली, अगर मैं उसकी बात करूँ तो इट्स अ वेरी कम्पेटिटिव कल्चर यहाँ पे, इट्स नॉट ईजी, बहुत डिफिकल्ट होता है, और फर्स्ट सेमेस्टर जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं उनको थोड़ा गेटिंग यूज टू लगता है कल्चर का, होम सिकनेस होती है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, तो मेक श्योर कि यू नो आप रेडी हो के आओ, और वेरी कंपेटिटिव होता है फर्स्ट सेमेस्टर। डिप्रेशन को कैसे हटाएं? दोस्तियां करें बहुत सारे, यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तानी लोगों की, तो आई थिंक मे बी इनिशियली आप थोड़े डिप्रेस्ड हो सकते हो क्योंकि आप घर से काफ़ी दूर है, मगर यहाँ पे बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। खाना भी, जैसे अभी हम ज़रीन आए हैं कि हमें खाना याद आ रहा था पाकिस्तान का, तो इस तरह मतलब चल जाता है, क्योंकि मैं भी लंदन से आई हूँ तो मुझे भी इस चीज़ के बारे में काफ़ी डर लग रहा था, और मेरे काफ़ी इंटरनेशनल पाकिस्तानी दोस्त हैं, मगर आपकी बहुत बड़ी सी एक कम्युनिटी बन जाती है एंड वी ऑल प्रोटेक्ट ईच अदर, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वी कुक, जैसे आजकल हम सहरियाँ और इफ्तारियाँ एक साथ कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो फील लाइक क्या कर रहे हैं बर्कले से? मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया और एयरोस्पेस में कंसंट्रेशन किया। और ये क्या स्कॉलरशिप है, ये क्या चीज़ है? और मैं फुल स्कॉलरशिप पे था, ग्रांट्स वगैरह थी, स्कॉलरशिप भी अप्लाई करते रहते थे, तो उसके साथ था। और आप? मैं एक्चुअली लंदन में पढ़ती हूँ, तो मैं यहाँ सिर्फ 1 साल के लिए आई हूँ। मैं UCL में सोशल साइंस पढ़ रही हूँ, तो मैं इट्स मेरा स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम होता है, मगर यूजली लोगों को पाकिस्तान से ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती। अच्छा। आई थिंक क्वाइट, मतलब वहाँ से शायद 1-2 लोगों को मिल जाए, मगर इट्स नॉट वेरी कॉमन। एप्लीकेशन प्रोसेस होती है और बहुत कुछ। अच्छा, तो आप वहाँ से क्या कर रही हैं? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में क्या, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर? अच्छा, तो आगे क्या आपका फ्यूचर आप फोरकास्ट करती हैं, क्या करेंगी आप? मैं AI में जाएंगी, ब्लॉकचेन में जाएंगी, कहाँ जाएंगी? प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो अच्छा, और आप क्या कर रहे हैं? मैं भी सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया एंड एयर स्पेस में कंसंट्रेशन किया। राइट नाउ मैं HVAC डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो ये मुझे बताओ कि जब पाकिस्तान से किसी ने आना है, लड़की है उन्हें खास तौर पे, तो किस तरह स्कॉलरशिप लेने का क्या तरीका है यार? आई मीन ऑनेस्टली पाकिस्तान में रहते हुए मुझे नहीं मालूम कि क्या तरीक़ेकार है, कि आई थिंक यू शुड एक्सप्लोर आपके जो स्कूल है वहाँ पे, जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ एक्सप्लोर करें कि स्कूल की अपनी क्या प्रोग्राम्स हैं और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स क्या हैं। अवेयरनेस, आई थिंक अवेयरनेस वहाँ पे बहुत कम है कि रिसोर्सेज अगर अवेलेबल हैं वो अवेयरनेस दें आप जी, तो आप स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। आई थिंक कुछ फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, वो क्या होती है, एक्सप्लेन करें? तो आई एम नॉट एंटायरली श्योर, मगर आई थिंक 80% ऑफ द फुल ब्राइट स्कॉलर्स यहाँ के नेशनल्स होते हैं, मगर 20% इंटरनेशनल, तो वो आपके अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो आई एम अस्यूमिंग कि इट्स क्वाइट कंपेटिटिव। कोई आप लोगों का पाकिस्तान कम्युनिटी की कोई पेज है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पाकिस्तान से लड़के लड़कियाँ अप्रोच कर सकते हैं आप? जी, आप पाकिस्तान हमारी UC बर्कले की PSA को कांटेक्ट कर सकते हो, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यू कैन ईमेल अस, ईदर वन ऑफ दोस। मैं भी जब अप्लाई कर रही थी दैट वाज रियली हेल्पफुल,
लंदन फेसबुक पे भी अगर आप लंदन की यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करो यू कैन डू द एग्जैक्ट सेम थिंग. वो आपके पर्सनल स्टेटमेंट्स पढ़ लेंगे, काफ़ी मदद कर सकते हैं. PSA सिर्फ बर्कली की नहीं है, सिर्फ एक स्कूल का नहीं है, PSA एसोसिएशन ऑल द स्कूल्स है, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे PSA का कोई ना कोई ग्रुप ज़रूर होता है. तो आपका जहाँ भी अगर एडमिशन हो या फिर थिंकिंग ऑफ कमिंग ओवर तो आप ज़रूर रीच आउट करें, उनको सर्च करें अपने स्कूल से. जो फीस को क्या देखते हैं, फीस स्ट्रक्चर जरा बताना शुरू करें, अकोमोडेशन बताएं. अच्छा फर्स्ट करें, अगर मैं आता हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं आया, आप मुझे क्या रेकमेंड करेंगे, कहां रुकना है मुझे यहां पर? इंटरनेशनल स्टूडेंट हां, यहां के कहां रुकूं मैं? अब मुझे अगर मेरा एडमिशन हो गया बर्कले में, जब आप इंटरनेशनल आते तो आपको हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं फर्स्ट ईयर फ्रेशमैन के लिए. खास तौर पे बजट कितना रखें एक साल? आपका बजट ये होना चाहिए कि आपकी ट्यूशन फीस 50 तक की होंगी, $50,000 जी, फिर आपकी $20,000 का एटलीस्ट एक साल का बाकी खर्चा अराउंड $100,000 हो जाएगा. खाना पीना रहना वहना मिला के यानी ईयरली कॉस्ट जो है $100,000 है. बिल्कुल. और आज जब वीजा के लिए अप्लाई कर रहे होगे तब आपको उन्हें दिखाना पड़ेगा कि आपके एक बैंक अकाउंट में एक साल की पूरी फंडिंग है, वरना वो आपको नहीं आने देंगे, आपको वीजा नहीं मिलेगा. अच्छा, यानी $100,000 जो है आपके पास होना चाहिए. होना चाहिए बिल्कुल. बिहार और वैसे एक्सपेंसिव है या Berkeley is quite expensive comparatively. और अगर इसे मैं स्टैनफोर्ड से कंपेयर करूं, आई मीन विद सेम लीग में स्टैनफोर्ड, MIT हो गए, कॉर्नेल जो आईवी लीग स्कूल हो गए, ये खासतौर पे यहाँ पे क्योंकि सिलिकॉन वैली है तो a lot of people that are living here वो अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ रहना, जिसकी वजह से जो रेंट है वो भी खासा ऊपर जा रहा है. एंड देन बर्कली की बात करें क्योंकि वो कैंपस टाउन है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और ज़्यादातर इंटरनेशनल आते हैं कि जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे बताया कि यू हैव टू हैव अ हैवी बैंक अकाउंट कि आपको वो एक्सेप्ट ही करें. तो अगर आप आ रहे हैं तो यू कैन अफोर्ड इट, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो रेंट इज़ यूजली नॉट एन इशू फॉर यू. तो उस वजह से लैंडलॉर्ड्स को पता है कि आपके पास बहुत पैसा है तो दे कैन यू नो दे हाइक अप द प्राइस. यही रहेंगे अमेरिका में रहेंगे या कहीं और जाएंगे आप? मैं तो यहाँ का लोकल हूँ क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं आया था. मैं वैसे यहाँ फोरकास्ट ये कर रहे हैं आप कंसीडरिंग इकोनॉमी एंड एवरीथिंग, आपको लगता है अमेरिका में ही रह के आप प्रॉस्पेरिटी से काम कर सकेंगे? मैं समझता हूँ कि एज एन इंजीनियर मेरे पास ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर है और आई थिंक इट्स इन माई कंट्रीज बेस्ट इंटरेस्ट टू, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रह के जो रेमिटेंसेस भेज सकता हूँ पाकिस्तान में, इसी तरह का इंजीनियर अगर मैं जाऊँगा इवन इफ आई एम वेल वर्थ इट, मुझे वो सैलरी नहीं मिलेगी और मैं इकोनॉमी को उस तरह स्टिमुलेट नहीं कर सकता जिस तरह यहाँ से रह के कर सकता हूँ. और आपने क्या सोचा है, लंदन जाएंगी, युगांडा जाएंगी, कहाँ जाएंगी? मैं तो बे एरिया सिलिकॉन वैली सॉफ्टवेयर स्टार्टअप का जिधर ही है तो मैं इधर ही रहूँगी. स्टार्टअप्स में ज्यादा? हाँ जी, स्टार्टअप्स सिलिकॉन वैली इज लाइक स्टार्टअप कल्चर तो इधर ही रहूँगी. और आपने क्या सोचा? अभी तो मैं एक साल के लिए वापस लंदन जाऊँगी, फिर इंशाल्लाह वापस आऊँगी अगर बनता है. और फाइनली आपने क्या सोचा भाई? मैं एक साल जॉब कर रहा हूँ एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर और उसके बाद मेरा मास्टर्स में एडमिशन हो गया बर्कली में, तो मैं फोकस करूँगा. मास्टर्स किसमें कर रहे हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करूँगा बट मैं फोकस उसमें कर रहा हूँ डिज़ाइन इंजीनियर, नैनो टेक्नोलॉजी और माइक्रो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम जिसको MEMS कहते हैं, जो आपके सारे सेंसर्स हैं वो इससे बनते हैं, तो इसमें फोकस करूँगा. और उसके बाद जैसे बजिया ने कहा सिलिकॉन वैली में जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको बहुत जल्द सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद फिर या तो अपना करेंगे या कुछ बड़ी कंपनी में देखेंगे. चलिए, थैंक यू सो मच आपके टाइम का. एंजॉय. थैंक यू.